हे व्हाट्सअप फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और मेरा नाम विकास हुआ, मैं वियान के चैनल पे आपको वियान के स्कूल का जो कि किडजी के द्वारा मिला है एसेंशियल किट नर्सरी के लिए, वो आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। मैं इसमें आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा कि इस बॉक्स में हमें क्या क्या मिल रहा है। तो उससे पहले वीडियो स्टार्ट करें, हम आपको बताते हैं कि जब भी मैंने वियान का जो एडमिशन हुआ है उसमें तीन किट मिला है। एक बॉक्स है जिसमें उसको शूज़ मिला है जो कि लिबर्टी के द्वारा है, एक यूनिफॉर्म है जो कि दो पेयर है, और एक ये नर्सरी का पूरा किट है। तो अभी हम आपके सामने अनबॉक्सिंग करेंगे और हम आपको शेयर करेंगे कि इस बॉक्स में क्या क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक शूज़ किट में, जो कि इसमें शूज़ है जो कि लिबर्टी के द्वारा होता है, और इस मॉडल का नाम बोलते हैं लकी एंड लुक। तो ये ऐसा कुछ शूज़ है जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है और स्पंजी टाइप का है, और इसको जो रैपर बोलते हैं वो वाला इसमें दिया हुआ है, और प्लास्टिक लेमिनेटेड है, काफ़ी अच्छा प्रीमियम शूज़ बोल सकते हैं। अगर इस शूज़ की प्राइस की बात करें तो 550 रुपये का ये एक शूज़ होता है, और उसके साथ एक सॉक्स मिलेगा आपको जो कि कॉटन का सॉक्स होता है जो कि येलो कलर का रहेगा। इस पर भी आपका किडजी मतलब लिखा रहेगा, और ये किडजी हमें पहला चीज़ ये देता है। उसके बाद हमें एक यूनिफॉर्म का पेयर देता है जो कि दो है, एक में पैंट है और एक में टी शर्ट है, और दूसरा में भी सेम है, ये भी आपका कॉटन का ही है जो कि काफ़ी अच्छा मटेरियल है। और यहाँ पे भी आप देखोगे किडजी का लोगो बना हुआ है, पैंट में भी अगर आप दिखाएंगे तो किडजी का ही लोगो बना हुआ है, और इसका भी जो मटेरियल है वो काफ़ी अच्छा मतलब है। ये हाफ पैंट है क्योंकि बच्चे का है, अभी नर्सरी क्लास में वियान का है। तो अब जो हमारा सबसे मेन, ये एक पूरा किट जो कि काफ़ी मतलब हैवी है, अप्रॉक्स इसमें जैसे कि आप वेट पे देखोगे 4 किलो 400 ग्राम का है, ठीक है, काफ़ी हैवी है। और इसमें जो आइटम्स हैं वो टोटल 22 आइटम है। तो ये कुछ इस तरीके का बॉक्स है जिसमें सबसे पहला चीज़ मिलता है बैग, एक स्कूल बैग, एक कैप जो कि बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा सा लग रहा है, मेरे में तो मे भी होगा नहीं क्योंकि ये बच्चों का है, और एक इसका नर्सरी बुक है जो कि मतलब मोबाइल के थ्रू मतलब पढ़ाई करवा सकते हैं बच्चों को पढ़ाई के लिए। और उसके बाद मिलता है ये पूरा किट जो कि बुक्स का 14 बुक्स का किट है। तो पहले चलिए इसके बारे में भी हम देखते हैं क्या क्या है इस 14 बुक्स के किट में। पहला आता है होमवर्क बुक 1, इसमें ड्राइंग्स, अल्फाबेटिकल ड्राइंग्स वगैरह है, और ABCD है मतलब राइटिंग बुक है। उसके बाद आता है होमवर्क बुक 2, इसमें है हमारा कुछ पजल्स और गेम टाइप का बुक। फिर आते हैं हम बुक 3 पे, और ये बुक है नर्सरी के लिए, ये भी एक रिटेन बुक ही है जो कि स्पेलिंग रिटेन के लिए है, काफ़ी ये भी प्यारा बुक है। और फिर आता है हमारा नॉलेज बुक, इसमें भी ड्राइंग है, और फिर है मेंटल माइंड, ये हमारा कुछ पजल्स टाइप का है और कुछ कलर बुक भी इन्वॉल्व है। फिर आता है हमारा आर्ट बुक, काफ़ी बड़ा बुक है ये, आप देखोगे पता नहीं इतना बड़ा बुक एक छोटे से बैग में कैसे होगा, मे बी फोल्ड करके ऐसे बुक को डालना पड़े, काफ़ी बड़ा बुक है, आप बैग से कंपेयर करोगे तो काफ़ी बड़ा है, मतलब बैग के तो बाहर ही जाने वाला भाई ये बुक। ये आर्ट बुक है, आर्ट के लिए है, मतलब पेंटिंग वेंटिंग और भी मतलब काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ है इसके अंदर। फिर ये भी तीन बुक काफ़ी बड़े बड़े हैं। फिर एक आर्ट्स बुक अगेन, और फिर हमारा आर्ट्स बुक 3, और ये भी काफी मतलब तीन सिर्फ आर्ट्स ही बुक है भाई, मतलब एक नर्सरी क्लास के बच्चे को कितना आर्ट्स। फिर है इसका सेम रिटेन बुक लैंग्वेज के लिए, और ये है इसका
लिटरेसी बुक, ये काफ़ी मतलब यूनिक कॉन्सेप्ट है मतलब किड जी का, और मे बी किड जी का अपना खुद का पैटर्न बुक है। और अगेन फिर हम बात करते हैं इसके रीड लाइंस बुक के बारे में, इसमें काफ़ी अच्छा चीज़ देखने को मिला कि नंबर पॉइंट करके मतलब पेंट वगैरह करना है, काफ़ी अच्छा बुक है ये भी। और फिर इसका एक बुक है जो कि लास्ट है, न्यूमेरिकल बुक यानी मैथ, मैथ को तो भैया इन्होंने एकदम पीछे लास्ट में रखा है पता नहीं क्यों। और ये रहा न्यूमेरिकल बुक जो कि मैथमेटिक्स के लिए, और इसमें बहुत ही प्यारा सा छोटा सा कुछ है कि कौन से गार्डियन उनको पिक करेंगे और स्कूल से, वो इसके अंदर दिया हुआ है जिसको पेरेंट्स पार्ट्स भी बोलते हैं। तो ये वही रहा, इसमें चार लोगों का फोटो लगा सकते हो, इसमें कंपलसरी ये मदर फादर एंड दो और कोई अदर आपके रिलेटिव का या जो भी बच्चे को पिक करेंगे स्कूल से उनका है, और एक बच्चे का फोटो यहाँ पे लग जाएगा। तो मे बी इस बुक के किट में इतना ही था। फिर इसको एक मिलता है एक अप्रोच जो कि बच्चे को स्कूल में भेजना मैंडेटरी है, हाँ अप्रोच, और ये है बच्चे का वो मे बी फार्मिंग के टाइम पे जो हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो ये भी स्कूल वालों ने बोला कि मैंडेटरी है कि भाई आपको ये बैग में देना है। और उसके बाद है इसका आईडी कार्ड जिसमें बच्चे का फोटो आपको खुद से लगाना है और नाम वाम भी आपको खुद से मेंशन करके भेजना है, ठीक है। और फिर आता है इसका एक बुक जिसको चॉक बुक बोलते हैं, अब ये क्या कॉन्सेप्ट है इसको भी हम देखते हैं। माय चॉक बुक जो कि किड्जी का भी मे भी लगता है ये भी अपना खुद का कॉन्सेप्ट है और काफ़ी प्यारा कॉन्सेप्ट है। जैसे पहले हमारे टाइम पे स्लेट चलता था, पेंसिल लेके जाते थे हम लोग, चॉक लेके जाते थे और बनाते थे मिटाते थे, सेम जस्ट उसका कॉन्सेप्ट है। बट ये जो है मटेरियल है इसको शायद फाइबर शीट बोलते हैं, प्लास्टिक का ही एक शीट है और इस पर हम मतलब जो भी लिखेंगे दोबारा वो मिट जाएगा। और इंग्लिश के लिए दिया हुआ है, हिंदी के लिए दिया हुआ है, मैथ के लिए दिया हुआ है, ये मैथ के लिए हो गया, और काफ़ी अच्छा और प्यारा है और एकदम बिल्कुल फाइल जैसा बच्चों की तरह, और बहुत ही अट्रैक्टिव सा चीज़ है। और इसमें आपको पेरेंट्स के लिए मोटिवेशन कुछ लाइंस है, और ये है आईडी यूजर्स का गाइड है कैसे आईडी यूज होगा, और इसमें आपको टोटल जो 25 आइटम मिलने वाले हैं वो सारा इसमें मेंशन है, आप मिला सकते हो कि आपको क्या सामान मिला है और नहीं मिला है, ठीक है। और एक लास्ट बुक है, और तो इस वीडियो में इतना ही, टोटल मिला के इसमें 14 बुक्स और एक ट्रम्प कार्ड है और दो यूनिफॉर्म, एक शूज बैग और एक कैप, आईडी कार्ड, टोटल मिला के 24-25 आइटम्स हैं। तो किडजी वालों का काफ़ी अच्छा एक है। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।